कभी विपक्ष निशाना साधता है, सरकार कोशिश करती है अपने आप का बचाव करने की, लेकिन जो तस्वीर पूरी सामने आती है शराबबंदी की, वो कहीं ना कहीं निराश करने वाली जरूर है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 2 साल पूरे हो चुके हैं शराबबंदी को, पूरे बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी इस उद्देश्य के साथ कि लोग शराब पीना कम करेंगे, अपराधों की जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उनमें कमी आएगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि कितनी कमी आई अपराध के ग्राफ में और किस तरीके से लागू हो पाया है शराबबंदी कानून पूरे बिहार में? अपराध के ग्राफ और शराबबंदी को लेकर जोड़े इलाके शराबबंदी के जो घरेलू हिंसा होता था उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन जो आपराधिक घटना है उसमें कमी नहीं आई है। हाल की दिनों में आपराधिक जो ग्राफ है, आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है वो काफी बड़ा है। हम कह सकते हैं कि शराबबंदी के बाद कुछ गरीब परिवार में शराबबंदी के 2 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे में कई जगहों पर देखा गया कि अब परिवार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे भी करते हैं और अपने तमाम मीटिंग और सभाओं में भी कहते हैं कि अब जो लोगों के जो मजदूर तबके के लोग हैं जो प्रतिदिन शराब के नशे में अपने घर रहते थे, अपने परिवार के साथ मारपीट करते थे, घरेलू हिंसा ज्यादा होती थी, ऐसे में कहीं ना कहीं कमी जरूर हुई है। अब कुछ भी लोग बचे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि शराब हर जगह आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है और मिल भी रहा है ज्यादा मूल्यों पर मिल रहा है। यही वजह है कि आपराधिक घटनाओं की बात अगर करें तो कहीं ना कहीं बेमानी होगी, लेकिन वैसी घटनाएं जरूर रुक गई है जिसमें घरेलू हिंसा है, आपस में मारपीट की घटना होती थी या छोटी मोटी बातों पे बीच सड़कों पे फटिया कसने वाली बातें होती थी, जो उपद्रव करने वाली बातें होती थी, वो कहीं ना कहीं कम जरूर हो गया। हम उन कह सकते हैं कि शराबबंदी से आम लोगों के लिए काफी राहत हुई है, इसलिए 2 सालों में घटनाएं कम हुई है जो शराब की वजह से होती है। लेकिन राज्य में ओवरऑल आपराधिक घटनाओं की बात करें तो उसमें इजाफा कहीं ना कहीं हुआ है। गणेश, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कानून बना दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन लागू करवाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का काम है और समय समय पर कानून बनने के बाद उनकी समीक्षा भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो कानूनों में अगर कोई लूप होल ऐसा है जिसकी वजह से अपराधी बच के निकल जा रहे हैं उनको ठीक किया जा सके। तो क्या लगता है शराबबंदी का जो भी कानून बिहार में लागू हुआ है उसकी समीक्षा की जरूरत है? जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू है उसमें जिस तरीके का प्रावधान है उन प्रावधानों को लेके तमाम जगहों पे सवाल उठते रहे हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष अगर एक व्यक्ति गलत होता है या नशे में पकड़ा जाता है तो पूरे परिवार को दोषी माना जाना या जुर्माना लगाना, किसी गांव से मिलने पे पूरे गांव को जुर्माना लगा देना, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो प्रावधान है उसको लेके सवाल उठते रहा और प्रश्न लगते रहा। और दूसरी बात की शराबबंदी के बाद जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई पूरे सूबे में पूरे राज्य में हो रहे हैं उसमें यह देखने को मिलता है कि पुलिस की संलिप्तता सीधे तौर पर उजागर होती है और शराब जो माफिया है वो आसानी से बच जाते हैं, उनके रोजगार में इजाफा हुआ है, उनके कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये बात मानते हैं कि नकली शराब अवैध शराब के कारोबार करने वाले के धंधे पड़े हुए हैं, उन्हें मुनाफा ज्यादा हो रहा है क्योंकि मुनाफे का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है इन तमाम दावों के बीच शराबबंदी के दावे जरूर सफल होते हैं लेकिन शराब कारोबारियों के मिली भगत शराब के कारोबार भी 2 सालों में ज्यादा हुए हैं। यही है कि जो गरीब लोग आम हैं उन्हें आसानी से शराब भले ही नहीं पीता हो लेकिन जो संपन्न लोग हैं जिन्हें शराब पीने की लत है वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। बिहार से बाहर हाल के दिनों में जिस तरीके से लोगों का पलायन शुरू हुआ उसमें कहीं ना कहीं शराब की वजह भी मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद जो मजदूर तबके के लोग हैं जिन्हें कार्य करने में दिक्कत होती थी वो कहीं ना कहीं बाहर आते हैं। जी बिल्कुल गणेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो कानून सख्त है भले ही, लेकिन उसके बावजूद भी शराब आसानी से मिल रही है। सिर्फ कानून बना देने भर से काम पूरा नहीं हो जाएगा, उसको लागू करवाने की भी जरूरत है। और शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं लोकसभा के और विधानसभा के भी, इन दोनों ही चुनाव में गरमाता हुआ जरूर नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया है, साथ ही साथ सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सरकार पर विज्ञापनों के जरिए जनता को लुभाने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए भी
लगाया है। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जितनी जगह भी उपचुनाव हुए हैं सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी नगर निकाय चुनाव में पूरी तरीके से सरकार का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जनता को सब कुछ पता है कि किस तरह से नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर में तालमेल नहीं होने की वजह से जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया जिसका जवाब जनता वोट के माध्यम से जरूर देगी। जगह जगह जाकर के सरकारी योजनाओं का लाभ, मैंने तो एक चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी दिया है और जिस प्रकार से विज्ञापनों के माध्यम से जनता को लुभाने का काम किया जा रहा है, उन्नत झारखंड ये सरासर एक प्रकार से प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है सरकार के स्तर पर और पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी हो गई है और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ बीजेपी पर यानी कि सत्ताधारी पार्टी पर जनता को लुभाने के लिए आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है। तो सरकार पर ये आरोप लगा है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस का ये कहना है कि जनता को लुभाने के लिए बीजेपी इस तरीके के काम कर रही है। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करते हुए ये कहा है कि जितने भी जगह उपचुनाव हुए हैं वहाँ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और नगर निकाय चुनाव जो झारखंड में होने जा रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। वहीं आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बिहार बीजेपी ने भी स्थापना दिवस के मौके पर मंडल स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया। पार्टी के बड़े नेता राजधानी पटना से बाहर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्थापना दिवस का उत्साह कुछ खास देखने को नहीं मिला। पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पार्टी के अधिकांश नेताओं ने बूथ स्तर पर स्थापना दिवस मनाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में डेरा डाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी व्यापक स्तर पर और बूथों पर जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जितने बूथ है लगभग 50-60 हजार बूथ है पूरे राज्य के अंदर में और इस प्रकार का आयोजन पूरे राज्य के अंदर में सभी बूथों पर आयोजन किया गया है। इसलिए सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में सभी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी के तमाम बड़े नेता से लेकर करके और सभी पार्टी के पदाधिकारी इन कार्यक्रमों में शिरकत किए हैं। संकल्प आज हम एक ही लेते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी को इस स्थिति में लाया है, कई कार्यकर्ताओं ने त्याग दिए, बलिदान दिए, कई कार्यकर्ताओं के पसीना खून से ये पार्टी आज जहां भी है उस वहां पर उस मुकाम पे पहुंची है। तो उनको याद करते हुए, उनको स्मृति में लेते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम संकल्पित होते हुए आज का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज पूरे देश में मंडल स्तर पर ये मोकामा के बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में बीजेपी का 38वां स्थापना दिवस समारोह काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फीता काटकर की। बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में अनुमंडल के हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर सुशील कुमार मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और बीजेपी के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और वहीं आज सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम के नक्सल प्रभावित रेहल गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां शांति नहीं होती वहां विकास नहीं होता और हिंसा से किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता। आपको बता दें कि साल 2002 में रेहल गांव में नक्सलियों ने जिला वन पदाधिकारी संजय सिंह की हत्या कर दी थी, जिसके 16 साल बाद किसी बड़े नेता ने गाँव का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि गांव का विकास हो और लोग मुख्य धारा से जुड़े। इस मौके पर सीएम के साथ कृषि मंत्री प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और आरएलएसपी विधायक ललन पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। जो विकास की धारा से दूर थे उनको विकास का लाभ पहुंचाने के लिए और समाज की मुख्य धारा का अंग बनाने के लिए ये सब काम करते हैं। ये सब काम प्रेम से संभव है, शांति से संभव है, सद्भावना से संभव है। यह काम हिंसा से संभव नहीं है और बहुत लोग समाज में तनाव पैदा करते हैं।
निरर्थक बातों को लेकर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा, आप प्रेम का और सद्भावना का महत्व समझिए और उसको स्थान दीजिए, और उसको स्थान दीजिएगा तो तरक्की की ऊंचाई। वहीं पटना में फुलवारी शरीफ के बामेती में कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कृषि पर आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों में किसानों के लिए विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार ने 25,000 एकड़ में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग के वित्तीय वर्ष 18-19 चालू वित्तीय वर्ष है और उस वित्तीय वर्ष में योजनाओं का कार्यान्वयन सही समय पर हो और योजनाओं के संबंध में जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं और नोडल पदाधिकारी हैं उनसे हम फीडबैक ले रहे हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 17-18 में जो उनका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, और चालू वित्तीय वर्ष में जो हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है उसमें प्रमुख रूप से हमारा है कृषि रोड मैप के तहत जैविक खेती को सरकार प्रोत्साहित कर रही जाकर के है, उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है। पिछले वित्तीय वर्ष में हम 2,000 एकड़ में कर रहे थे, चालू वित्तीय वर्ष में 25,000 एकड़ में जैविक खेती करने की योजना है। जाकर जल छादन की योजना है, जल छादन के तहत राज्य के 17 जिले में बड़े पैमाने पर तालाब, चेक डैम, वर्षा जलों का हम कृषि कार्यों की सिंचाई